मथुरा वृंदावन को पूरे विश्व में किसी पहचान की जरूरत नहीं। रोजाना लाखों लोग मथुरा वृंदावन में यहाँ के भव्य मंदिरों और कृष्ण भक्ति के लिए दौड़े चले आते हैं। इसके साथ ही मथुरा वृंदावन की एक चीज़ और भी मशहूर है और वो है यहाँ के पेड़े। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर मथुरा वृंदावन का पेड़ा बनता कैसे है। इसके लिए हम आए हैं वृंदावन बनखंडी महादेव मंदिर के पास राम स्वीट्स की दुकान पर, जो कि करीब 100 सालों से पेड़े और मिठाइयाँ बना रहे हैं। दुकान के मालिक रोहित अग्रवाल ने बताया कि पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के गांवों से ताज़ा दूध लिया जाता है, जिसकी क्वालिटी चेक कर दूध उबालकर दूध से मावा तैयार किया जाता है। तैयार मावे को फिर बड़ी कढ़ाई में लगभग आधे घंटे तक धीमी आंच पर भूना जाता है और फिर इसमें हल्की शक्कर डाली जाती है और सफ़ेद मावे के लाल हो जाने तक इसे भूना जाता है। लाल हो जाने के बाद इसको करीब 2 घंटे के लिए बड़ी परात में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसमें बूरा यानी शक्कर का पाउडर और स्वाद के लिए इलायची पाउडर डाला जाता है और इसे अच्छी तरह से हाथों के साथ मिक्स किया जाता है ताकि शक्कर और इलायची पाउडर का फ्लेवर पेड़े के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। इसके बाद तैयार प्रोडक्ट को बड़े बड़े स्लैब्स में बांटा जाता है और हाथों की मदद से इसको शेप दी जाती है और इसके बाद कुछ इस तरह से थाली घुमाकर इन पेड़ों को अपना असली शेप दिया जाता है और इस तरीके से तैयार हो जाते हैं मथुरा और वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध पेड़े। कि मेरा नाम रोहित अग्रवाल है और वृंदावन में हम लोग राम स्वीट्स के नाम से अपनी मिठाई का प्रतिष्ठान चलाते हैं। बेसिकली ये मिठाई का काम हमारा शुरू हुआ हमारे पर बाबा मीन्स बाबा के टाइम से। अब करीबन हम लोगों को 100 से 125 साल हो चुके हैं इस लाइन में और ये काम हमारा शुरू हुआ था। हमारे पर बाबा जो थे वो राधा रानी के लिए प्रसादी बनाया करते थे, प्रसाद के लिए, तो उनके हाथ से बना हुआ पेड़ा लोगों को बहुत पसंद आता था। तो ये जो हमारी रेसिपी है पेड़े की, ये उन्हीं के हाथ की बनाई हुई है उस टाइम की। और वो राधा रानी के लिए जो पेड़े का प्रसाद बनाते थे लोगों को इतना पसंद आता था कि लोग बहुत डिमांड करते थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पेड़ा बनना और लोगों में वितरण होना और बिकना शुरू हुआ, तब से हम लोग ये बनाते आ रहे हैं। तो पेड़ा कैसे बनता है, कैसे शुरुआत होती है इस पेड़े की? पेड़े की शुरुआत के लिए हम लोग आसपास के जो गांव है वृंदावन के, वहाँ से शुद्ध दूध कलेक्ट करते हैं डेली चेक करने के बाद कि दूध की शुद्धता पूरी है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग उसके 20-20 किलो दूध से मावा बनाना शुरू करते हैं लॉट में। तो 20 किलो दूध का जो लॉट होता है उससे 5 किलो मावा हमें मिल जाता है तैयार होकर। उसको हम इकट्ठा करके फिर 10-10 किलो मावे के लॉट बनाते हैं और उससे पेड़ा भूनना शुरू करते हैं। उसको भूनते समय हम लोग उसमें मीठा लगाते हैं ताकि उसमें रेडनेस आए, बुनाई पूरी प्रॉपर हो जाए उसकी। भुनने के बाद उसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल कर ठंडा करते हैं। ठंडा जब वो हो जाता है तो उसमें बाकी का मीठा मिलाकर और इलायची लगाकर उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर हम लोग काउंटर पर सेल करते हैं अपने। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में भुनने में और सारी चीज़ें? देखिए, भुनने में 1 घंटा लग जाता है इसको पूरा, क्योंकि ये प्रॉपर इसमें कोई कलर यूज़ नहीं किया जाता, इसको भुना ही जाता है पूरे तरीके से। और भुनने के बाद ठंडा होने में 2 घंटे लगते हैं प्रॉपर ठंडा जब हो जाता है। उसके बाद 1/2 घंटा और लगता है इसमें मीठा, इलायची और पेड़े बनाने में। तो टोटल प्रोसेस में करीबन 3.5 घंटे इस तरह लग जाते हैं। तो अच्छा, पेड़े में कोई और फ्लेवर्स भी हैं अलग अलग तरह के? पेड़े में फ्लेवर्स तो हम लोग कई बनाते हैं, जैसे केसर पेड़ा, मैंगो पेड़ा, चॉकलेट पेड़ा, मलाई पेड़ा, पर जो लोगों को सबसे ज़्यादा भाता है और पसंद आता है वो प्लेन पेड़ा ही है अपना, इलायची वाला रेड पेड़ा। अच्छा, तो जो बाहर के लोग हैं, जो अन्य श्रद्धालु हैं, वो अगर पेड़ा अपने घर मंगाना चाहें तो आपके पास कोई सुविधा है? हाँ, इसी चीज़ के विचार करते हुए हम लोग ने अपनी वेबसाइट बनाई है ramsweets.com और विद इन अ मंथ हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको ऑनलाइन पेड़ा अपना हम सेल करना शुरू कर देंगे, ताकि जो अन्य श्रद्धालु हैं देश से विदेश से, जो लोग चाहते हैं वृंदावन का पेड़ा खाना, शुद्ध पेड़ा खाना, उनको हम अवेलेबल करा पाएँ। ये तो हुए इसे बनाने की तकनीक की बात, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पेड़े का इतिहास क्या है। मंदिर श्रीधाम गोगा विहार वृंदावन में स्थित है ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, जहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपि है अक्लनामा चकत्ता। उसमें 18वीं शताब्दी के समाज के बारे में और यहाँ पे जो भारत में जो वस्तुएँ प्रसिद्ध थी उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है और बड़ी ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्य रखती है वो पुस्तक। उसी में मथुरा के पेड़े की प्रसिद्धि के बारे में भी पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह जो पांडुलिपि है वो 18वीं शताब्दी की है, तो आज से 18वीं शताब्दी में भी, जो अब 21वीं सदी चल रही है,
तो मथुरा का पेड़ा 18वीं शताब्दी में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। उससे पहले ही कभी मथुरा में पेड़े बनने प्रारंभ हुए। 18वीं शताब्दी तक ये इतना प्रसिद्ध था कि अकलनामा चकत्ता नाम की जो पांडुलिपि है, जिसमें उस समय के भारत की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके बारे में लिखा गया है, तो उस पांडुलिपि में मथुरा के पेड़े का उल्लेख। ये एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये एक मूल्यवान जानकारी है जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान में संग्रहित पांडुलिपि में लिखी हुई है। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।